वॉट टू लर्न बिफोर गेटिंग इन टू साइबर सिक्योरिटी। आप में से बहुत से लोगों को ये सवाल आता होगा, तो इसके बारे में हम आज वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आप बॉर्न होते ही सीधा दौड़ने लगे थे या फिर सीधा साइकिल चला रहे थे? ये कैसा सवाल है 37 भाई, ऐसे थोड़ी होता है। जी हाँ, मुझे भी पता है कि ऐसे नहीं होता, तो वही मेन मुद्दा है। आपको एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में आने से पहले आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, फिर आप इस फील्ड को ऑप्ट करोगे, आगे की पढ़ाई करोगे। जैसे आप पहले क्रॉल करना सीखे, फिर आप गिर गिर कर सपोर्ट लेकर चलना सीखे, फिर प्रॉपर चलना सीखे और फिर दौड़ना, तो वैसे ही यहाँ भी कुछ है। तो ये चार चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिसमें से पहली जो चीज है उस पर हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और आपका उसे समझना जरूरी है। तो नंबर टू पे आते हैं हम, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ भाई, कुश्ती खेलने से पहले अखाड़े के तो बारे में जान लो। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट ऑफ OS, एडमिनिस्ट्रेशन और सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है। साथ ही आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपके वर्चुअल मशीन पे आप कर सकते हो, जिससे आप वायरसेस और मालवेयर से बच सकते हो। इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे देख सकते हो या फिर इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में डाल दूंगा। फिर आते हैं हम नेटवर्किंग बेसिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ लोगों को शायद हार्ड भी लगे, बट मेरी मानो तो भाई इतना हार्ड नहीं, बल्कि फन टू लर्न टॉपिक है। इस पे मैं सीरीज लाने वाला हूँ आगे चैनल पे, तो आपको पता ही है क्या करना है। इसमें आप नेटवर्किंग के बेसिक कंसेप्ट सीखो, जैसे कि सबनेटिंग प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग आर्किटेक्चर्स, रूटर्स, IP एड्रेस, फिर फायरवॉल एंड बहुत सी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उन्हें सीखो। अब चौथे नंबर की हम बात करेंगे और उसके बाद पहले वाले पे आएंगे, वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, ये वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज क्या है। इसमें वेब एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं करना होता है, आप इसको यूज कर सकते हो बिना डाउनलोड किए नेटवर्क के थ्रू ब्राउजर्स की मदद से, जैसे क्रोम, सफारी एंड ऑल। तो इनको अटैक से बचाने के लिए इसे समझना आपका बहुत जरूरी है। हाँ, आपको शायद ये टर्म्स भारी और नए लगे, मगर टेंशन मत लो, मैं आपको ये सब आने वाली वीडियोस में इजी वे में सिखा दूंगा। तो अब आते हैं हम हमारे नंबर वन पे। हाँ भाई, सुना है मैंने भी बहुत लोगों से कि हैकिंग के लिए प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं होती, तो मेरे दोस्त आपको बता दूं, ये सच है, मगर ये अधूरा ज्ञान है जो आपको बताया जा रहा है। सच्चाई ये है कि आपको प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है, बस कुछ करियर पाथ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। एक टर्म यूज किया जाता है इलाइट करके, अगर आपको वो बनना है, जो कि आपको बनना ही है, आप लोग हैकिंग को उस वे में ही फैंटेसाइज करते हो, तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग सीखना जरूरी है। HTML हो गया, JavaScript हो गई, Python हो गया, ये सारी चीजें आपको सीखना जरूरी है। मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, क्योंकि इसको मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकता कम्प्लीटली, ना ही मैं चाहता हूँ कि आप हाफ नॉलेज लेकर जाओ। तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो, जो कि रिकमेंडेड है, या फिर राइट वाली वीडियो पे आप क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इजी टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।